अगर अभी कोई मुसलमान होता तो पॉस्को एक्ट के तहत अगर किसी के ऊपर FIR होता तो बहुत बड़ी टीवी मीडिया बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी, ये देखो ये आतंकवादी हैं। लेकिन आज हिंदू बहन बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन पूरी आला कमान हिंदू की है, मजाल है कोई चू कर दे। अरे बृजभूषण शरण सिंह के घर पे चलवाओ बुलडोजर, नहीं चलवाते आप, बाबा का बुलडोजर पेट्रोल खत्म हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब हो गया है, बेटी को पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बजाओ। देश के प्रधानमंत्री फोटो जी भी है, वो सिर्फ फीता काट के फोटो खिंचवाना चाहते हैं। फीता काटो शौचालय का फीता काटो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, लूटो राम राम कहना पराया माल अपना है। मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, अरे भैया ये बेटियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं मोदी जी, और नए संसद भवन को बना के क्या करेंगे। हम न्याय की आवाज उठाएंगे, और जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा पहलवान के नारों से। जय भारत। एक कृषि प्रधान देश है, अगर देश की महिलाएं पंचायत करेंगी तो इतिहास में एक बहुत बड़ा गौरवान्वित दिन होगा पूरे विश्व में। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री फोटो जी भी है, वो सिर्फ फीता काट के फोटो खिंचवाना चाहते हैं। फीता काटो शौचालय का फीता काटो है, सब ट्रेन का फीता काटो। जो अर्थी पे हिंदू धर्म में होता है ना, माँ जब देहांत होता है किसी के माँ का, किसी के परिवार जनों का, तो उस दौर में सूदक होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू हितैषी तो बात करते हैं, लेकिन एक तरफ माँ का दाह संस्कार करके और दूसरी तरफ ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं। आप बताइए क्या ये पुत्र धर्म है? आप बताइए, लोग बताइए, सवाल नहीं पूछेंगे हम, बताए ना ये पुत्र धर्म है। हिंदू धर्म के नाम पे ये केवल व्यापारी लोग हैं। आज जो 35 दिन के आसपास से हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं खुले आसमान के नीचे, क्या प्रधानमंत्री जी को इस पे चुप्पी तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए? इस पे प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? नहीं, मैं मजबूरी है, वही है मजबूरी, वही कहते हैं। ये तो राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी नारा का शर्मसार करते हैं। ये बेटियों के हितैषी नहीं है, ये बेटियों के ऊपर इन्होंने तमाम, देखे हमारी बहन बेटियों ने तमाम आंसू बहाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी चू तक नहीं किए। क्योंकि उनको मोर को दाना खिलाने से अगर समय मिलता तो बहन बेटियों को न्याय की बात करते। ये न्याय के आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम इस जंतर मंतर से पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं कल, और महिला महापंचायत हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हमारी बहनों ने भी कहा है, जो उत्तर प्रदेश से आए वो गाजीपुर बॉर्डर रुक जाए, जो हरियाणा से और तमाम अलग अलग से आए सिंगू बॉर्डर रुक जाए। अगर आप नहीं मानेंगे तो इस देश का किसान, इस देश का नौजवान हमारी महिला बहनों के साथ खड़ा है, और देश के कोने कोने से लोग कल पहुंच रहे हैं। एक दौर था किसान आंदोलन का, इस सरकार ने उनको भी बदनाम करने का काम किया था, जो किसान अन्न उपजा के और तमाम भारत की 138 करोड़ जनता को निवाला देता है, उसके ऊपर जब इन्होंने पानी की बौछारें और कील टंक के जरिए बैरिकेटिंग लगा दिया, ऐसा लग रहा है बॉर्डर है ये। उसी तरीके से इस जंतर मंतर को भी बॉर्डर बनाए हुए हैं, लेकिन हम आजाद भारत में रहते हैं और अभिव्यक्त की आजादी है, सवाल करना, हम सवाल करेंगे और अपने न्याय की आवाज उठाएंगे। मैं कहता हूँ तुरंत हो जाना चाहिए। महापंचायत कहाँ कहाँ कर रहे हैं? पूर्वांचल में, मैं भी पूर्वांचल की धरती से आता हूँ, अयोध्या से। ये अयोध्या में तो तमाम ऐसे बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, पूर्वांचल की जनता वाकई में बृजभूषण शरण सिंह के प्रभावित है, क्योंकि इन्होंने अपने दम पे, अपनी गुंडागर्दी के चरम पे आम जनमानस को बहुत प्रभावित करने का काम किया। इनको तो तुरंत जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है। सरकार को ऐसा कौन सा डर है कि बृजभूषण शरण सिंह अभी जेल के बाहर है? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? अगर अभी कोई आम इंसान होता, अगर अभी कोई मुसलमान होता तो पॉस्को एक्ट के तहत अगर किसी के ऊपर FIR होता तो बहुत बड़ी टीवी मीडिया बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी, ये देखो ये आतंकवादी हैं। लेकिन आज हिंदू बहन बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन पूरी आला कमान हिंदू की है, मजाल है कोई चू कर दे? मजाल है स्मृति ईरानी बोल दे? नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, सरकार में प्रधानमंत्री हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। इन्होंने कुलदीप सेंगर को नहीं जेल भेजा,
हाथरस की हमारी बहन को रात के अंधेरे में उनके शव को जला दिया गया। देहरादून में आपने जिस तरीके से देखा होगा, तमाम ऐसे बहन बेटियों को न्याय की जब आवाज उठती है ये सरकार जू रेख जाता है, ये गूंगी बहरी अंधी हो जाती है। भैया वो तो निर्मला सीतारमणों नहीं बोल रही है, दोनों लोग नहीं बोल रही है, ये तो एक दौर था। स्मृति ईरानी एक दौर था कि महंगाई डाइन खाए जात है, महंगाई डाइन खाए जात है। आज जब बेटियां सड़क पे बैठ के आवाज उठा रही हैं तो 500 मीटर दूरी पे स्मृति ईरानी या प्रधानमंत्री जी अब डाइन नहीं खा जा रही है, हैं? क्योंकि आपके जो लोग हैं ये महिलाओं को सम्मान की बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब हो गया है बेटी को पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बजाओ। एक जरा मैं बोर्ड बड़ा मुझे मणिपुर पे नहीं बात करते, वैसे ये जब बेटी मेडल लाए तब प्रधानमंत्री जी फोटो देखो भैया, कोई फोटो हटा दिया, ये बहुत बढ़िया काम किया कि हम मोदी जी के फोटो को देखिए, ये देखिए हम मोदी जी के फोटो का काम नहीं है क्योंकि मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ना चाहते हैं। और जब बेटी न्याय मांगे तब प्रधानमंत्री जी मौन हो जाए। आप बताइए, मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री गृह मंत्री आवाज नहीं उठा रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के लगे आरोपों पे आवाज नहीं चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, उसी तरीके से पुलवामा के खुलासे पे इन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। ये तो सारे मुद्दों को दबा के प्रधानमंत्री जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन ये देश का किसान है, ये देश का पहलवान है, ये देश का नौजवान है। इसमें भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान राजगुरु सुखद्रु की क्रांति होती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से हम जाएंगे, हम पूरी गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हैं? कहे बॉर्डर पे हम जा रहे हैं क्या, पाकिस्तान के हैं? पाकिस्तान में जा रहे हैं, भारत में जा रहे हैं? अरे भैया वो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया जो भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है। मोदी जी अब कैसे क्या भाषण देंगे आप जानते हैं, निरीक्षण खुद करने जाएंगे लेकिन कैमरा साथ लेके जाएंगे मोदी जी। आप बताइए, एक प्रोटोकॉल होता है, अगर राष्ट्रपति उद्घाटन में जाएगा तो प्रोटोकॉल राष्ट्रपति के पास होगा, मोदी जी को पीछे रहना होगा, फोटो कैसे अच्छी आएगी क्योंकि उनको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। आपने देखा होगा एक जर्मन का तानाशाह अडोल्फ हिटलर था, उसकी कहानी आपने सुनी थी, वो रात के अंधेरे में जाता था और फोटो खिंचवा के चला आता था। चाइना क्या भाई, तानाशाह सरकार है, अगर अरे भैया किसको कह रहे हैं तानाशाह, किसकी सरकार से, ना देश में लोकतंत्र बचा है, ना देश में न्याय वाली की प्रक्रिया, अगर न्याय की आवाज उठाएंगे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर ईडी सीबीआई बुलडोजर। अरे भैया ये क्या बुलडोजर से ना, अरे तो अरे बृजभूषण शरण सिंह के घर पे चलवाओ बुलडोजर, नहीं चलवाते आप, बाबा का बुलडोजर पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया अब नहीं पूछेंगे, अगर वही बहरुद्दीन का होता तो बुलडोजर चल गया होता। इस सरकार सबसे ज्यादा हिंदू की प्रभावित सरकार है, इन्होंने सबको प्रभावित किया है, हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें। और हमारे देश का जिस तरीके से आपको सीख लेनी चाहिए एक गुरुद्वारा से, वो लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी नारा तो देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका विनाश करने का काम करती है। इसी तरह एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस सरकार का विनाश होने का समय आ गया, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से अहंकारी सरकार हो उसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। अगर ये हमें प्रताड़ित करेंगे तो हम इनको सत्ता से बेदखल, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, अरे भैया ये बेटियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं मोदी जी, और नए संसद भवन को बना के क्या करेंगे, संसद नए संसद की क्या जरूरत है, जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, इसलिए नया संसद बन रहा है। हम सड़कें सुनसान नहीं होना चाहते हैं, हम सड़क पे चलेंगे और पैदल अब मार्च के जरिए पंचायतों की हमारी क्या दिक्कत है, अगर इस देश में महिलाएं पंचायत करेंगी, भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, अगर देश का किसान, देश का नौजवान, देश की महिला अगर सड़क पे जाएगी और पंचायत करेगी तो एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अरे भाई वही राष्ट्रपति मुर्मू प्रधानमंत्री है जी, इस देश का किसान नहीं जा सकता है संसद भवन में पंचायत करने, मोदी जी को भेजा गया, मोदी जी ने क्या काम किया, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने किसानों के ऊपर पानी की बौछारे करवाने का काम किया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, लूटो राम राम कहना पराया माल अपना है।
वही का कानून बनेंगे या पंचायत। अरे भैया अनुच्छेद अनुच्छेद 79 पढ़ा है आपने? अनुच्छेद 79 जो राज्यसभा में विधान सांसद और दोनों जो चीजें होती हैं उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का नहीं वो होता है, दखल दे सकता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं उद्घाटन में बुलाया जाता है? लेकिन आप अरे तो स्पीकर कर सकता है लोकसभा, किसी को प्रधानमंत्री बुलाए, किसी को इन्विटेशन दिए, वो तो बस केवल वहां कहेंगे मैं नहीं मेरे भाई। तो वही चीज है, मोदी जी तो देश हो, तो उस लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा देश है, विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम न्याय की आवाज उठाएंगे और जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, पहलवान के नारों से जय जवान जय किसान जय पहलवान।